दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज दोबारा से मैं शेयर करने वाला हूँ तीन स्टॉक जो डेफिनेटली नाक के नीचे से आप सभी के मल्टी वेगा स्टॉक बन सकते हैं दिवाली से पहले। तो चाहो तो इन तीनों शेयर को आप अभी के अभी बाय करके चल सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैंने पहले भी एक बात आपको बोल रखी है, मार्केट ना कभी भी समझना अपनी बात को उल्टा चलती है। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे होंगे तो कंपनी का प्राइस नीचे गिरेगा, घटिया रिजल्ट आए होंगे प्राइस ऊपर भाग जाता है, ये चलता रहता है। और मैंने बात आपको 2 महीने पहले ही बोली थी, मार्केट में करेक्शन चल रही है, करेक्शन में वो स्टॉक को पकड़ो जो पहले ही टूट चुके हैं। जैसे TVS मोटर था, TVS कंपनी, ये ऑलरेडी बहुत टूट चुकी थी जब मार्केट में करेक्शन होना स्टार्ट हुई, तो ये सस्ता मिल रहा था 600 रुपये के भाव में। और आज ये स्टॉक का प्राइस मोर देन 900 रुपये का, ठीक है, 800+ का टारगेट, मतलब हाई टेस्ट करके आया है, अभी 870 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये देख लो आप, तो ये होता है भाई, है ना, मैंने आपको पहले ही बोला। और अभी भी बहुत सारे स्टॉक ना बहुत टूट चुके हैं लेकिन उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब वो तीन स्टॉक कौन से जिसको मैं अपने ऑब्जर्वेशन में रख रहा हूँ, ये तो हमने रखा हुआ था, अब तीन स्टॉक है, ठीक है। चाहो तो आप भी उन तीनों स्टॉक को अच्छे तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, अच्छे स्टॉक है, घटिया स्टॉक नहीं है। जैसे इसने 44% रिटर्न दिया है मात्र 2-3 महीने में, वो भी इससे ज़्यादा देखे जा सकते हैं, राइट। तो किन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अंत तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आपको इन सभी स्टॉक का फुल एनालिसिस चाहिए नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली लेके आ जाऊँगा। TVS कंपनी आप देखो अभी 871 रुपये का इस पर ट्रेड करें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मंथ में 16%, 6 मंथ में 32%, मतलब मोटा मोटी 45% और 50% का रिटर्न ये स्टॉक देके गया है लास्ट कुछ महीनों के अंदर। और पहले देखो मार्केट ये स्टॉक का प्राइस कब से टूटना स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट देखो यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ था नवंबर के आसपास, और मार्च में अपना बॉटम बनाया, और आज स्टॉक दोबारा से एक नए हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यही है भाई, ठीक है, जो स्टॉक अभी टूट चुके हैं आपको क्या लगता है और टूटेंगे? नहीं नहीं, ठीक है। अब वो कौन सा स्टॉक है दिखाता हूँ आपको। एक लेटेस्ट स्टॉक मैं ऐड कर रहा हूँ अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है। ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, हिंदुस्तान जिंक, और ये स्टॉक 2 रीज़न से अच्छा लगता है। एक इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको स्विंग ट्रेडिंग में पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, जो स्टॉक मैंने आपको दिया था 2-3 दिन पहले टाइटन, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो स्टॉक बिल्कुल वही पैटर्न में आधारित है और उसने एक अच्छा रिटर्न दिया, अभी 2% रिटर्न दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि टाइटन बहुत जल्द आपको 5-10% का रिटर्न देके जा सकता है अगर हमारा SL नहीं होता, मतलब 2100 के ऊपर जब तक वो ट्रेड कर रहा है। और जो हिंदुस्तान जिंक है इसमें भी वो पैटर्न बन रहा है, तो चाहो तो स्टॉक को आप नज़रों में रख सकते हो। सिर्फ वही रीज़न नहीं है स्टॉक को सजेस्ट करने का, एकमात्र रीज़न ये है कि स्टॉक देखो अपने हाई से ऑलमोस्ट 25-30% की करेक्शन दिखा चुका है, और कंपनी के फाइनेंशियल मैंने खुद चेकआउट करे, मुझे तो अच्छे लगते हैं भाई, राइट। किसी को अच्छे लगे ना लगे, मुझे अच्छे लगते हैं। साथ में कंपनी अच्छा खासा आपको डिविडेंड पे आउट दे रही है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, नज़रों में रखो हिंदुस्तान जिंक को। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आपको बाय करना है, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, तो आपको सिंपल है भाई, देखो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है मात्र, ठीक है, ये भी मैं बहुत बड़ा स्टॉप बता रहा हूँ लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मात्र 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो एंड यू कैन वेट फॉर द 5-10% रिटर्न। 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो और आप वेट कर सकते हो 10-15% रिटर्न का। अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। स्टॉक को कल बाय करने की सोच रहा हूँ, अगर ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट करता है अब 288.50 रुपये, मतलब ये प्राइस अगर कल दिखता है मुझे, आई विल डेफिनेटली बाय, ठीक है, जितनी मेरी क्षमता है मैं डेफिनेटली स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करूंगा एंड आई विल वेट। देखो मैंने बोल दिया 5-10% रिटर्न स्टॉक यहाँ देखे जा सकता है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस सुन लो, मेरा स्टॉप है 280 रुपये का क्लोजिंग बेसिस में, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा 280 रुपये क्लोजिंग बेसिस में। इसका मतलब 280 रुपये का मेरा SL है, 288-289 में बाय करूँगा तो कितना हो गया, 9 रुपये का SL है, तो कम से कम पहले तो आप वेट करोगे 2 गुना, मतलब 20 रुपये जोड़ दो इसमें, तो वो आपका टारगेट निकल के आएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। बाकी उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का मेथड अप्लाई करके वेट कर सकते हो 5-10% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म का टारगेट आप सभी को पता है अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म की तो आप होल्ड करो, लेकिन शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बतला दिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले 2 स्टॉक की तरफ जो बहुत अच्छा रिटर्न देखे जा सकते हैं बिफोर दिवाली। स्टॉक के बारे में तो मैं थक चुका हूँ वीडियो बना बना के, HDFC बैंक, तो ये स्टॉक एक बहुत अच्छा स्टॉक है, नज़रों में रखो, हर दिन इसके वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों बना रहा हूँ और बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, FIA सबकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, और ये स्टॉक बहुत जल्द आपको बहुत से रिटर्न देखे जा सकते हैं, यहाँ से डबल ट्रिपल पैसा हो सकता है। बस आपको एक काम करना है, एक काम क्या करना है,
ये जो स्टॉक है आपको ध्यान क्या देना है, जितना 100 रुपये का टूटता है तो आपको एवरेज करना है। अगर टूटता है, टूटेगा नहीं वैसे, अगर टूटता है तो आपको एवरेज का सहारा लेना है, नहीं टूटेगा तो भैया बहुत बढ़िया है, फिर तो लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलो उस पर आराम से, ठीक है, जितना होल्ड कर सकते हो। तो HDFC बैंक को नज़रों में रखो, काफ़ी अच्छी डिलीवरी स्टॉक में उठाई जा रही है। स्टॉक में आप देख सकते हो 69% की डिलीवरी उठाई गई है, ऑलमोस्ट 47 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 47 लाख शेयर। अगला जो स्टॉक है वो एक IT शेयर है और ये डेट फ्री शेयर है, इसका नाम टेक महिंद्रा है, बहुत टूट चुका है, तो ये स्टॉक भी बहुत जल्द आपको बॉटम बनाते हुए दिखेगा, तो डेफिनेटली स्टॉक को चाहो तो आप एकोमोडेट कर सकते हो। बहुत टूट चुका है, मतलब 50% की करेक्शन स्टॉक ने दिखा दी अपने हाई से, और ये स्टॉक बहुत जल्द आपको यहाँ से यूटर्न लेते हैं, मतलब अभी तो नीचे गिर रहा है ना, अब ऐसे यूटर्न लेते हुए ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा, तो डेफिनेटली अब IT सेक्टर के जो स्टॉक है ना उनको एकोमोडेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि IT सेक्टर के स्टॉक ना 2022 से पहले टूटना स्टार्ट हो गए थे, आप देखो चार्टिंग का, ठीक है, देखो ऑलमोस्ट इन्होंने जनवरी में हाई बना दिया था, जनवरी के बाद देखो ऑलमोस्ट 6 महीने से टूट ही रहे, 7 महीने हो चुके ऑलमोस्ट टूट रहे, अब नहीं टूटेंगे, अब दूसरे स्टॉक टूटेंगे, ये नहीं टूटेंगे अब, ठीक है, अब ये कंसोलिडेट करेंगे, एक रेंज में ट्रेड करेंगे, अब टूटने का नंबर रिलायंस जैसे स्टॉक होगा, इनका नंबर नहीं है अब टूटने का, ठीक है, तो नज़रों में रखो ये 3 स्टॉक को, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान जिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, आपको 280 रुपये का सेल लगाना है, यू कैन वेट फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 5-10%, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, और बाय इसका एक्टिव होगा अब 289 या 288.50। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियोज़ में।